हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और पोस्ते दाने की सब्जी। वैसे तो आलू और पोस्ते दाने की सब्जी बंगाल में ज़्यादा खाई जाती है, जिसको वो लोग आलू पोस्तो बोलते हैं, लेकिन उस सब्जी को मैंने थोड़ा ट्विस्ट देके बनाया है और अपने तरीके से बनाया है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बनाते हैं आलू और पोस्ता दाना की सब्जी। आलू और पोस्ते दाना की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये आलू लिए हैं। मैंने 6 बड़े आलू लिए हैं और उसको मैंने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके अलावा मैंने पोस्ता लिया है 3 चम्मच, और इसको मैंने पहले से गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आधे घंटे पहले इसको भिगोया है। आप अगर इसको घंटे 2 घंटे पहले भिगो देंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने लिया है 2 टमाटर, इसको मैंने काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी हरी मिर्चें। इसके अलावा जो मैंने मसाले लिए हैं वो हैं राई, बहुत थोड़ी सी राई ली है, थोड़ा सा मंगरेल, थोड़ा सा ज़ीरा, उसके अलावा हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो सबसे पहले आलू और पोस्ते की सब्जी बनाने के लिए मैंने पैन गैस पे चढ़ा दिया है, और पैन ऑलरेडी गरम हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। आपको अगर सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और अब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये राई, इसके बाद ये मंगरेल और ये जीरा। मैंने इसमें ये डाल दिया है हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आलू। और आलू को मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसको कुछ देर में भुन जाने देती हूँ। मैं इसको ढक दे रही हूँ और इसको कम से कम 8-10 मिनट तक भून लेती हूँ। जब तक हमारे आलू भुन रहे हैं तब तक मैं बाकी के मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो ये पोस्ता जो मैंने पानी में भिगो के रखा है, इसको मैं इस मिक्सर जार में डाल देती हूँ। अब मैंने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये 5 हरी मिर्चें, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये 2 टमाटर, और इसको मैं अच्छी तरह से एकदम महीन पेस्ट बना ले रही हूँ। ये मैंने पोस्ता दाना का पेस्ट तैयार कर लिया है, इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी डाली है और थोड़ा सा अदरक भी डाला है। अब मैं थोड़ा अपने आलू को चेक कर लेती हूँ। देखिए आलू हमारे हल्के लाल हो रहे हैं। मैं इसको कम से कम 60% पकने तक इसको भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो इसी तरह से मैं इसको बीच बीच में चलाती रहूंगी, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मैं फिर से इसको चेक कर लेती हूँ, करीब 5 मिनट और हो गए हैं। ये आलू काफ़ी भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया, ये धनिया पाउडर, और
और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को एकदम लो करके एक दो मिनट तक भून लेती हूँ। करीब 1.5 मिनट हो गए फ्रेंड्स और ये धनिया भुन गया है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये जो मसाला मैंने पीस के तैयार किया था, और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देती हूँ। और फ्लेम को भी मैंने लो कर दिया है, थोड़ी देर मैं इसको लो फ्लेम पर भून लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये थोड़ा सा पानी, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिला देती हूँ। इसके अलावा अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, जो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गई थी, और इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर में और भून ले रही हूँ। ये मसाले को मैंने 2-3 मिनट तक भून लिया है, देखिए ये पूरी तरह से भून गया है। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। मैं इसको सूखा रखूँगी इसलिए मैं थोड़ा कम पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से जितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये जो गरम मसाला पाउडर मैंने लिया था, इसको मैं इसमें डाल के मिक्स कर दे रही हूँ। और इसको मैं ढक के कुछ देर लो फ्लेम पे पकने देती हूँ ताकि आलू जो है वो पूरी तरह से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स ये पूरी तरह से सूख गया है और ये आलू भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब मैं इस सब्ज़ी को बंद कर देती हूँ। और अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा मिला के और इसको ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है, तो मैं इसको सर्व करती हूँ। आलू और पोस्तदाना की सब्ज़ी बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्ज़ी, आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये आपको पसंद आती है तो मुझे भी बताएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।